गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले परेड को संपन्न कराने के लिए सोमवार को पुलिस लाइन के ग्राउंड पर परेड का फुल ड्रेस ग्रांड रिहर्सल सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि 26 जनवरी पर आयोजित होने वाले 73वें गणतंत्र दिवस का रिहर्सल पासिंग आउट परेड सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने उपस्थित होकर परेड की सलामी ली है और जो कमी पाई गई है उसको दूर करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पासिंग आउट परेड में 11 टोली रखी गई है, जिसमें फायर सर्विस, एनसीसी, सिविल डिफेंस, ट्रैफिक सहित अलग अलग टोलियां हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा और एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, सुरक्षा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एडप्ट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। लम्हों में आनंद रखो, सांस भर कर लेने की घंटा एक लय एक ध्वज एक विकंदन उत्साह और उल्लास से भरपूर देखिए, जो 73वां गणतंत्र दिवस है उसकी तैयारियों के लिए आज रिहर्सल किया गया था। इसमें एसएसपी सर स्वयं मौजूद रहे थे, उन्होंने पूरे परेड की सलामी ली, उसको समझा और जहां भी कमियां थी उनको दूर करने की बात की। अभी आज और कल का समय हमारे पास है, हम बहुत अच्छी परेड इस बार 26 जनवरी को गोरखपुर निवासियों के समक्ष रखने वाले हैं। इसमें 11 टोलियाँ रखी गई हैं और इसमें जैसे फायर सर्विस की टोली है, एनसीसी की टोली है, सिविल डिफेंस और बाकी ट्रैफिक वालों की भी टोली है, अलग अलग टोलियाँ हैं। इसमें आज गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की गई पुलिस लाइन में। इसके अलावा पूरे जनपद में पुलिस सुबह 7 बजे से भ्रमण पर रहेगी और सभी जगह जहां पर कार्यक्रम संपन्न होने हैं वहां पर कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। पुलिस की पूर्णता व्यवस्था रहेगी जनपद में। सुरक्षा को लेकर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी जगहों पर चेकिंग करवाई जाएगी। जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड, टेम्पो स्टैंड इत्यादि सभी स्थानों पर रात्रि भ्रमण किया जाएगा और सुबह सवेरे से ही पुलिस मुस्तैद रहेगी। अलग अलग जगहों पर मोबाइल पार्टियां निकलेंगी और पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने की पूर्ण तैयारी है।